हाँ जी, गुड इवनिंग। हमारी जो लास्ट वीडियो थी रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, उसको देखने के बाद काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हमारे पास कि सर एक वीडियो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के रूल्स के ऊपर भी बनाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके CA1 एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें नवंबर 2018 और नवंबर 2019 में 6-6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए। तो कंसिडरिंग द CA फाइनल एग्जामिनेशंस, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 6 नंबर का बड़े आराम से। तो चलिए इस टॉपिक को हम बड़े प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में हम जो नवंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था उसे भी डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, ये जानना क्यों आवश्यक है? देखिए, दो तरह की कंपनीज होती है, या तो कोई कंपनी इंडियन कंपनी है या वो फॉरेन कंपनी है। तो ये जानना कि कौन सी कंपनी इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, इसके लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंडियन कंपनी की बात करूं, तो वहां पर हमें कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडियन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हमेशा इंडिया में होगा, चाहे उसके शेयर होल्डर्स कहीं पर भी सिचुएटेड हो, चाहे उसका जो सीनियर मैनेजमेंट है वो कहीं भी सिचुएटेड हो, चाहे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं भी बैठकर मीटिंग करते हो, कहीं भी जाकर मैनेजरियल या कमर्शियल डिसीजंस लेते हो, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हमेशा इंडिया में माना जाएगा और वो हमेशा रेजिडेंट मानी जाएगी इंडिया में, और उसे इंडिया में टैक्स जरूर देना पड़ेगा। तो यही हमने लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हमेशा इंडिया में माना जाएगा। अब दिक्कत वहां पर आएगी जब कोई भी कंपनी फॉरेन कंपनी है या उसने अपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में स्थापित की हुई है। इन दोनों केसेस में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो उस कंपनी को इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेस एंड उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड नहीं है तो उसे इंडियन रेजिडेंट नहीं माना जाएगा और उस कंपनी को इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब ये मानने के लिए कि उस फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं, इसके लिए CBDT के रूल्स आए थे 2017 में, जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी फॉरेन कंपनी है, अगर उसका हमें अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जानना है, तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वो कंपनी एंगेज तो नहीं है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अगर उस कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तो उसे क्लियरली इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा और उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर उस कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, उसके बाद हमें कुछ और कंडीशंस भी देखनी पड़ेगी ये मानने के लिए कि वो कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेस इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं, या उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो सर, अब ये एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हम कैसे जानेंगे? इसके लिए कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई है इन रूल्स में, तो वो कुछ इस प्रकार है कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया शैल बी ट्रीटेड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये कंडीशंस कैसे हैं? इसमें जो पहली कंडीशन है वो है पैसिव इनकम। अगर उस कंपनी की जो पैसिव इनकम है वो लेस देन और 50% ऑफ टोटल इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है? तो चलिए देखते हैं कि ये जो पैसिव इनकम है इसका मतलब क्या है। पैसिव इनकम का मतलब है एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शंस वेयर बोथ परचेज एंड सेल आर डन फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। इसका मतलब अगर कोई फॉरेन कंपनी है, वो परचेज भी एंड सेल भी दोनों ही ट्रांजेक्शंस अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से करती है, तो वो पैसिव इनकम की डेफिनेशन में कवर की जाएगी। दूसरी जो इनकम इसके अंदर प्रोवाइड की गई है पैसिव इनकम में, वो है रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट या रेंटल इनकम। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कब इंक्लूड नहीं होगा पैसिव इनकम में? अगर वो इंटरेस्ट अर्न किया है किसी भी बैंकिंग कंपनी या किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इन द लॉज कंट्री आउटसाइड इंडिया, अगर ऐसा कोई केस है, तो वहां पर हमें जो इंटरेस्ट इनकम होगी उसकी, उसको हम पैसिव इनकम में इंक्लूड नहीं करके चलेंगे। तो इन दोनों तरह की जो इनकम है उसको पैसिव इनकम की डेफिनेशन में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहली कंडीशन देखी, पैसिव इनकम अगर 50%
या उससे कम है ऑफ टोटल इनकम, तो उसके बाद कुछ और कंडीशंस भी हमें चेक करनी पड़ेंगी। दूसरी जो कंडीशन है वो है एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया शुड बी लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स। इसका मतलब मान लीजिए किसी फॉरेन कंपनी की टोटल एसेट्स 1000 करोड़ रुपीज की है, उसका जो 50% है 500 करोड़, उससे कम एसेट्स इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए, तो उसे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। पर इसके बाद एक और कंडीशन है, वो है एम्प्लॉइज सिचुएटेड इन इंडिया। अच्छा, ये जो एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, एसेट की डेफिनेशन क्या है? एसेट का मतलब है जो वैल्यू ऑफ एसेट हम देखेंगे इसमें वो होगी एवरेज वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसका मतलब ओपनिंग वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स कैलकुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन अंडर द रेलिवेंट टैक्सेशन लॉज ऑफ दैट कंट्री इन विच सच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। जिस भी कंट्री में वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है उस कंपनी के टैक्सेशन लॉज के अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिवाइडेड बाई टू एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एसेट यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। जैसे इंडियन इनकम टैक्स में जो हम वैल्यू ऑफ एसेट्स कैलकुलेट करते हैं उसमें हम ब्लॉक सिस्टम को कंसिडर करके चलते हैं, तो अगर फॉरेन कंट्री में भी जो टैक्सेशन लॉज है वहां पर ब्लॉक सिस्टम कंसिडर किया जाता है तो हम एवरेज वैल्यू ऑफ ब्लॉक कंसिडर करेंगे, पर अगर ब्लॉक सिस्टम वहां पर कंसिडर नहीं किया जाता तो हम वहां पर इंडिविजुअल एसेट्स की ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई टू करके वहां पर चलेंगे। तो जो नेक्स्ट कंडीशन थी वो थी एम्प्लॉइज सिचुएटेड इन इंडिया इज लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। इसका मतलब अगर किसी कंपनी के फॉरेन कंपनी के 100 एम्प्लॉइज हैं उसका जो 50% है वो है 50 एम्प्लॉइज, उससे कम इंडिया में लोकेटेड होने चाहिए या फिर इंडिया में वो रेजिडेंट होने चाहिए। अब एम्प्लॉइज में भी कुछ यहाँ पर उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हम कैसे काउंट करेंगे। यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काउंट किए जाएंगे वो किए जाएंगे ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिवाइडेड बाई टू। इसका मतलब एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंसिडर करके हम यहाँ पर चलेंगे। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द कंपनी है ही नहीं, तो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड्स पर्संस नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड बट परफॉर्म सिमिलर टास्क एज दैट ऑफ एम्प्लॉयज। अगर कोई पर्सन डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय या डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय फॉरेन कंपनी नहीं है पर वो काम करता है एज दैट ऑफ एम्प्लॉय, उसी तरीके का उसी नेचर की एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता है, तो भी उसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की डेफिनेशन में काउंट किया जाएगा। जो लास्ट इस पे कंडीशन है वो है जो टोटल पेरोल एक्सपेंस होगा उन एम्प्लॉयज का जो इंडिया में लोकेटेड है या इंडिया में रेजिडेंट है, ये जो हमने डिस्कस करी थी थर्ड कंडीशन, इन एम्प्लॉयज का जो टोटल पेरोल एक्सपेंसिज होगा वो शुड बी लेस देन होना चाहिए 50% ऑफ टोटल पेरोल एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। तो अगर ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस कंपनी को मान लिया जाएगा कि वो ऑपरेट करती है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन पिट जाती है तो ये माना जाएगा कि वो कंपनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया ऑपरेट नहीं करती, एंड देन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी शैल बी ट्रीटेड इन इंडिया एंड दैट कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट शैल हैव टू पे द टैक्स ऑन इंडिया ऑन इट्स ग्लोबल इनकम। जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का जो मतलब होता है उसकी जो डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो कहती है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट शैल बी ए प्लेस वेयर की मैनेजीरियल एंड कमर्शियल डिसीजंस फॉर द कंपनी एज ए होल आर टेकन। इसका मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एक ऐसा प्लेस होगा जहां पर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस फॉर द कंपनी एज ए होल आर टेकन, वो लिए जा रहे हैं। अब एक बार जब कोई भी कंपनी को हमने ये कह दिया कि वो एंगेज्ड है इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, उसके बाद प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे डिसाइड किया जाएगा, चलिए उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर किसी भी कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो हम ये देखेंगे कि उसकी जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स हैं वो कहाँ पर ली जा रही है। अगर उसकी जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स है वो इंडिया में ली जा रही है तो उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा वो इंडिया में होगा, अदरवाइज वो आउटसाइड इंडिया में कंसीडर किया जाएगा। तो अगर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया ट्रीट किया जाएगा। पर अब आप कहेंगे कि सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब तो ये होता है कि जहां पर कंपनी के की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, पर अगर कंपनी की जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स है वो आउटसाइड इंडिया हो रही है
और उन बोर्ड मीटिंग्स में की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए ही ना गए हों, तो फिर कैसे कंसिडर किया जाएगा उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया। तो इस चीज के ऊपर इन रूल्स में एक गाइडेंस प्रोवाइड की गई है जो कहती है कि बोर्ड शुड टेक की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस इन दोज बोर्ड मीटिंग्स। इसका मतलब अगर कंपनी की मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स आउटसाइड इंडिया हो रही है पर उसके जो की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस है वो इंडिया में ही लिए जा रहे हैं किसी भी प्लेस में, तो उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में ही कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है XINC जो कि ऑस्ट्रेलिया में इनकॉर्पोरेटेड है, उसकी टोटल बोर्ड मीटिंग्स जो हुई है वो 5 मीटिंग्स हुई है किसी भी ईयर में, और उसकी जो 5 में से 3 बोर्ड मीटिंग्स हुई है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई है और 2 बोर्ड मीटिंग्स हुई है वो इंडिया में हुई है, और उसके जो की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस है वो इन 2 बोर्ड मीटिंग्स जो कि इंडिया में हुई है वहां पर लिए गए हैं, तो फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन दैट कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया बिकॉज इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया। अब आप कहेंगे सर मान लीजिए कोई भी कंपनी है फॉरेन कंपनी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस नहीं लेते हैं पर उन्होंने अपनी जो पावर है वो डेलीगेट कर दी सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तब आप प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका कैसे निकालेंगे? तो उस केस में जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा वो प्लेस होगा जहां पर वो सीनियर मैनेजमेंट उसके की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस या उसकी की पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज फ्रेम कर रहा है। तो अगर इफ पावर्स आर डेलीगेटेड बाय द बोर्ड टू सीनियर मैनेजमेंट देन POEM प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज अ प्लेस वेयर सीनियर मैनेजमेंट टेक्स की डिसीजंस। अब ये सीनियर मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या फाइनेंस डायरेक्टर या कोई अदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है। अब मान लीजिए कि बोर्ड ने जो अपनी पावर है वो डेलीगेट करी किसी एग्जीक्यूटिव कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ सम सीनियर मैनेजमेंट और कंसिस्टिंग ऑफ सम सीनियर मेंबर्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, तो उस केस में भी जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा वो वही प्लेस होगा जहां पर वो एग्जीक्यूटिव कमिटी की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस ले रही है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नेचुरली जो की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस है वो कंपनी के हेड ऑफिस में लिए जाते हैं, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वही प्लेस होना चाहिए जहां पर कंपनी का हेड ऑफिस सिचुएटेड है। तो इसके बारे में भी कुछ गाइडेंस इन रूल्स में प्रोवाइड की गई है जो ये कहती है कि इफ सीनियर मैनेजमेंट इज एट अ सिंगल प्लेस देन द लोकेशन ऑफ दैट सीनियर मैनेजमेंट शैल बी ट्रीटेड एज ए हेड ऑफिस। पर अगर उसका सीनियर मैनेजमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कुछ सीनियर मैनेजमेंट के लोग एक कंट्री में रहते हैं, कुछ सीनियर मैनेजमेंट के लोग दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो उस केस में जो हेड ऑफिस कंसीडर किया जाएगा वो किया जाएगा जहां पर वो मेंबर्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट प्राइमरीली बेस्ड हैं या प्रीडोमिनेंटली बेस्ड हैं, तो वहां पर उसका हेड ऑफिस ट्रीट किया जाएगा, उस लोकेशन का, उस हेड ऑफिस की लोकेशन मानी जाएगी। पर सारी बात, ये सारी बातें हेड ऑफिस वाली एक ही चीज पर आकर अटकती हैं कि जो की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो हेड ऑफिस में लिए जा रहे हो, यही यहां पर लिखा हुआ है कि इफ सीनियर मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज्ड देन हेड ऑफिस विल बी वेयर दे आर प्राइमरली और प्रीडोमिनेंटली बेस्ड और वेयर दे मीट फॉर मेकिंग की डिसीजंस। इसका मतलब की डिसीजंस शुड बी इन हेड ऑफिस इफ हेड ऑफिस इज ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर सीनियर मैनेजमेंट हेड ऑफिस में बैठता है पर उसके जो की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस है वो हेड ऑफिस की जगह किसी दूसरी कंट्री में लिए जा रहे हैं, तो उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा वो उस कंट्री में माना जाएगा जहां पर उसके की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं। सर अगर सीनियर मैनेजमेंट के लोग या बोर्ड मेंबर्स जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तब हेड ऑफिस की लोकेशन कौन सी लोकेशन मानी जाएगी? तो दोस्तों उस केस में जो हेड ऑफिस लोकेशन मानी जाएगी वो वाली लोकेशन मानी जाएगी जहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट अटेंड कर रहा है मीटिंग को। हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है जैसे कि कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या फाइनेंस डायरेक्टर, वो जहां पर भी लोकेटेड है उस लोकेशन को हेड ऑफिस की लोकेशन माना जाएगा। पर सारी बातें सिर्फ एक ही बात पर जाकर अटकती है कि की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हो उस प्लेस पर जहां पर हेड ऑफिस सिचुएटेड है, अदरवाइज हेड ऑफिस को POEM नहीं माना जाएगा। सर ये जो की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस है इसका मतलब क्या है?
तो दोस्तों की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस का जो मतलब है वो है बेसिकली, जो जैसे कि मान लीजिए कि डिसीजन रिगार्डिंग न्यू ओपनिंग ऑफ न्यू प्लांट एंड किसी भी प्लांट को बंद करना है, किसी भी मेजर प्रोडक्ट लाइन को हमें क्लोज करना है, तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस में कवर होते हैं। या मान लीजिए कि हमें बिजनेस कॉम्बिनेशन करना है, अमलगमेशन या डीमर्जर करना है, तो ये सारे डिसीजंस होते हैं जो की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस में कवर्ड होते हैं। इसीलिए कहा गया कि जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, जो मान लीजिए एम्प्लॉयज ऑफिस में बैठकर डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस नहीं मानेंगे। उसी प्रकार डिसीजन टेकन बाय द शेयर होल्डर्स शैल नॉट बी टेकन एज ए की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस। शेयर होल्डर्स को कुछ पावर्स दी गई है कंपनी एक्ट में कि जो डिसीजंस है वो शेयर होल्डर्स ही ले सकते हैं बाय पासिंग रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। ऐसे जो डिसीजंस है उनको की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस नहीं माना जाएगा। पर हाँ, अगर ये शेयर होल्डर्स हैं, ये बाय वे ऑफ एग्रीमेंट और बाय पासिंग रिजोल्यूशन जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसका ढांचा ही बदल दे, कंपनी का मैनेजमेंट ही चेंज कर दे, या वो रिमूव कर दे कंपनी मैनेजमेंट को, या कोई नया मैनेजमेंट लेकर आ जाए, तो उस केस में जो की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन है वो माना जाएगा कि शेयर होल्डर्स ने भी लिए हैं, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। ये सारे जो रूल्स थे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के, ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस तरह से हम पूरा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किसी भी फॉरेन कंपनी का डिसाइड करेंगे। अच्छा, अगर असेसिंग ऑफिसर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना चाहता है, कोई केस स्क्रूटनी केस इनिशिएट करना चाहता है बाय कंसीडरिंग ए फॉरेन कंपनी एज ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो उसे केस ओपन करने के लिए जब वो असेसी को नोटिस सेंड करेगा, तो उसे नोटिस सेंड करने से पहले प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जब वो केस ओपन कर देगा, उसके बाद जब वो केस को क्लोज करेगा, कंक्लूड करेगा, उसका जो केस का जो ऑर्डर पास करेगा, उस ऑर्डर को पास करने के लिए भी उसे अ कॉलेजियम ऑफ थ्री कमिश्नर्स उससे एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये जो कॉलेजियम है ये कौन प्रिपेयर करेगा, ये कॉलेजियम विल बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर पासिंग द ऑर्डर दैट अ फॉरेन कंपनी इज ट्रीटेड एज ए रेजिडेंट ऑन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये सारे रूल्स थे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि कोई कंपनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया करती है तो उसका तो आपने डिसाइड कर दिया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पर ऐसी कंपनी है जो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में एंगेज नहीं है, उसके लिए रूल्स बताए गए हैं इसमें, जो कि दो रूल्स है, जिसमें ये कहा गया है कि आप फर्स्ट स्टेज में ये देखेंगे कि उसके जो की मैनेजमेंट के लोग हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो लोकेशन है की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस की वो कहाँ पर है। अगर वो इंडिया में है तो उसका POEM इंडिया में माना जाएगा, और अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो उसका POEM आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो चलिए अब हम एक एग्जाम का सवाल डिस्कस करते हैं जो आपके नवंबर 2018 में एग्जाम में आया था। इस क्वेश्चन को आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और वीडियो को स्टॉप करके आप इसे पूरा रीड कर सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक कंपनी है फॉरेन कंपनी जोन बफर टैक्स, जो कि श्रीलंका में रजिस्टर्ड है और जिसके 60% होल्डिंग इंडियन कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इसका मतलब ये कंपनी इंडियन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। इसके कुछ फिगर्स हमें दिए हुए हैं, जो इंडिया में बिजनेस है और जो इनका श्रीलंका में बिजनेस है। WDV एसेट्स इंडिया में 90-70 है, इंटेंजिबल एसेट्स 40-180 है, अदर एसेट्स 30-90 है, ट्रेडिंग इनकम 15-42 है, इन्वेस्टमेंट इनकम 30-13 है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 40-60 है। तो अब हमें जो बताना है, इसके अंदर दो रिक्वायरमेंट पूछी गई है। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें बताइए कि ये जो जोन बफर टैक्स है, क्या ये एंगेज्ड है इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये जो कंपनी है ये इंडिया में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहती है। उसके लिए इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो इंडिया में 30 एम्प्लॉइज अपॉइंट करे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपना जो बिजनेस एक्सटेंड करना चाहते हैं उसे आउटसोर्स कर दें किसी एक्सटर्नल एजेंसी को, जिसकी वजह से उसे 15 एम्प्लॉइज अपॉइंट करने पड़ेंगे इंडिया के अंदर।
तो चले अभी इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया को कंसिडर करने के लिए कुछ कंडीशन थी। वो कंडीशंस कुछ ऐसे थी कि उसकी जो पैसिव इनकम है वो लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम होनी चाहिए। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इन इंडिया शुड बी लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडिया शुड बी लेस देन 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज। ऐसे ही होने चाहिए। तो अब ये कंडीशन हम यहाँ चेक करते हैं। तो पैसिव इनकम अगर हम देखते हैं इसकी वो कितनी बनती है। पैसिव इनकम है जो इन्वेस्टमेंट से इनकम थी और जो परचेज एंड सेल फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर परचेज एंड सेल फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं दी हुई है तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम कंसिडर करके चलेंगे। तो उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है उसकी वो है 30 + 13, 43 करोड़ की उसकी इंटरेस्ट इनकम है। तो यही हमने ली है। उसकी जो पैसिव इनकम है वो है 43 करोड़ की। आउट अब ये टोटल इनकम का कितना परसेंट है, ये है 43% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम इसकी कितनी है, 30 + 13 + 15 + 42, यानी कि 100 करोड़ की। तो इट इज लेस देन 50% ऑफ 100 करोड़। इसका मतलब पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी कंडीशन है वैल्यू ऑफ एसेट्स। अच्छा, उसमें जो बात की गई थी एवरेज वैल्यू ऑफ एसेट्स की बात की गई थी, पर यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ एसेट्स नहीं दी हुई है। तो हम मान के चलते हैं कि यही जो वैल्यू ऑफ एसेट्स दी गई है ये एवरेज वैल्यू ऑफ एसेट्स है। तो इसकी जो वैल्यू ऑफ एसेट्स इन इंडिया है वो कितनी है, वो है 90 + 40 + 30, यानी कि 160 इंडिया में इसकी एसेट्स हैं। और अगर इसकी मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो वो कितनी है, 160 + 90 + 180 + 70, यानी कि 500 करोड़ की इसकी टोटल एसेट्स है। तो जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इन इंडिया कितनी है, 160 of 500, यानी कि 32%, विच इज लेस देन 50%। तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है। थर्ड कंडीशन अब हम चेक करते हैं जो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पर भी एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिए हुए हैं तो हम मान के चलते हैं कि यही एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। तो वो इंडिया में कितने हैं, 40, और टोटल एम्प्लॉयज हैं 40 + 60, यानी कि 100। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडिया है 40% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज, विच इज लेस देन 50%। तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं इसलिए ये मान लिया जाएगा कि ये जो कंपनी है इट इज एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसके बाद कंसिडर किया जाएगा अगर इसकी मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स और की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन आउटसाइड इंडिया लिए जा रहे हैं। तो इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया कंसिडर किया जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं जो कि ये थी कि इस कंपनी को अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है और इंडिया में, उसके लिए इसे इंडिया में 30 एम्प्लॉयज अपॉइंट करने पड़ेंगे या फिर उसे 15 एम्प्लॉयज अपॉइंट करने पड़ेंगे अगर वो एक्सटर्नल एजेंसी को आउटसोर्स कर देती है काम। तो अगर वो 30 एम्प्लॉयज अपॉइंट करती है तो उसका जो सीन बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। उसके जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडिया हो जाएंगे 40 + 30 = 70, और टोटल एम्प्लॉयज हो जाएंगे 100 + 30 = 130। इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडिया वो बनेंगे 53.85% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज बन जाएंगे, जिसकी वजह से जो इसकी ये थर्ड कंडीशन थी ये सेटिस्फाई नहीं होगी और ये कंपनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं मानी जाएगी। इसकी वजह से इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया बन जाएगा। पर अगर वो 15 एम्प्लॉयज इंडिया में अपॉइंट करती है और अपना बिजनेस आउटसोर्स कर देती है एक्सटर्नल एजेंसी को तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बनेंगे वो 55 बनेंगे इंडिया में, और वैसे टोटल एम्प्लॉयज उसके 115 बन जाएंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडिया उसके 47.83% बनेंगे, जो कि लेस देन 50% है, जिसकी वजह से वो कंडीशन उसकी थर्ड सेटिस्फाई ही रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखकर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।